शांति पाठ मुख्य उपनिषद का पार्ट नहीं होता है, इसलिए आप ये नहीं कह देना कि 18 तो इसमें हो गया, एक वो हो गया। शांति पाठ ऐसे सब जगह आते हैं, जैसे आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप जब टीचर बनेंगे, पढ़ेंगे अच्छा, तो उसके बाद में आपके पास संस्कृत किताब आएगी, उस किताब के आगे सबसे पहले आपको शांति पाठ ही मिलेगा। मंगलाचरण सब दे देते हैं, है ना, जैसे आप सुकलाम वाली प्रार्थना बोल रहे हो, तो पाठ का अंश नहीं, किताब का वैसे अंश नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी विधा है जिससे बच्चों में ये मैसेज डाला जाता है कि हमें किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। किताब पढ़ना साल भर का काम है आपका, 10 पाठ हो, 12 पाठ हो, 15 पाठ हो, संस्कृत किताब की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों को मंगलाचरण से आप प्रारंभ करवाते हैं, अच्छी शिक्षा के बताते हैं 2 शब्द। और जो केवल टीचर होते हैं, निकालो रे पहलो पाठ, गुरु जी ओ काई, अरे था का काम कौन है, चाल बाजे दे दो, तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। और आप उसको थोड़ा 10 मिनट उसको बताएं कि कोई भी काम करते हैं तो हम ऐसा करते हैं ना, मकान बनाने से लेकर शादी ब्याह, तो बच्चा पढ़ाई भी स्टार्ट करेगा ना जिस दिन अपनी, तो एक बार क्या पता बिना कहीं भगवान को याद, ये संस्कार है जो डाले जाते हैं, और यही एक शिक्षक का काम है।